हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर वेल। तो आज हम बनाएंगे कीमा कचौरी। तो अगर आप भी हो फूडी तो ये चैनल आप ही के लिए। यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी इजी इजी यम्मी यम्मी रेसिपीज़। तो सब्सक्राइब करके जाना, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। आप कर दो सब्सक्राइब। रेसिपी सोचो, बनाओ, शूट करो, एडिट करो, डालो, सब बहुत 70 काम होता है। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर दो। आपने कुछ नहीं करना, आपको अच्छी लगी वीडियो, अपने जो आपके एक्सपीरियंस है, आपको कैसी वीडियो चाहिए आगे मुझे कमेंट करके बता दिया करो। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो, कमेंट करो। तो अब पता है कीमा कैसे बनेगा? हमारे ना बने थे कोफ्ते, तो हाँ कबाब जो सो गोश्त हमने उसमें पीसा था ना मिक्सी के जार में, हमने वही बचा के रख लिया। ये पता है कैसे बनेगा कीमा? आपने गोश्त को ना पका लेना है, उसे उबाल लेना है, फिर आपने उसको ठंडा करके मिक्सी में पीस देना और बस ये रेडी हो जाएगा। और ये हमारा ना फ्रिज में रखा था, तो इसलिए ना इसको आपने बाहर रख देना। अगर आपको फ्रिज में रखा हो, फिर हम इसमें मसाले ऐड कर देना। ऐसे ही हाफ टी स्पून चिली पाउडर एंड देन हाफ टी स्पून ब्लैक सॉल्ट लेंगे। कोई बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डालो कोई बात नहीं। और अब हम डाल देंगे हाफ टी स्पून धनिया पाउडर। और ये है मेरा फेवरेट होममेड चाट मसाला। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए आप इसको ज़रूर ऐड करना। और एक पता है कहाँ से आपको इसकी रेसिपी मिलेगी? लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड चेक आउट। रेसिपी आपको मिल जाएगी, मैंने पहले ही अपलोड की हुई है। और अब इसमें डाल दूँगी ग्रीन चिली बारीक कटी हुई। अगर आप बिंक खाते हो, आप ऐसे तीखा कम खाते हो, कुछ लोग होते हैं तो तीखा कम खाते हैं, तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हो। अब आपने इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर दें, सारे मसाले हमारे कीमे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। इससे क्या होगा ना कि बहुत अच्छे से इनका फ्लेवर आएगा। और ये पता है मैंने अभी क्योंकि सारे मसाले इसके अंदर अभी से मिक्स, क्योंकि अभी आगे बताऊंगी, इसलिए पूरी वीडियो देखा करो। और इस बात पे लाइक कर दे क्योंकि बहुत यम्मी लगने वाला है, बिल्कुल जैसा मार्केट से आते हैं बिल्कुल वैसा बनेगा। आज ही आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स मिक्स मिक्स। अब हम इसको आधा घंटे के लिए रख देंगे। इससे क्या होगा ना, मसाले इसके अंदर अच्छे से मिल जाएंगे और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब मिलते हैं आपसे आधा घंटे के बाद। तो यहाँ पर हमने ले लिया है ऑयल और इसमें डाल दिया थोड़ा सा ज़ीरा। पता है मैंने जब भी डाले सारे मसाले, अगर मैं मसाले अब डाल देती हूँ तो वो तेल में ना भुन जाते हैं और काले काले जाते हैं मसाले, फिर उसकी आती है जलन की स्माइल, तो वो अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए मैंने इसके अंदर ही मसाले ऐड कर दिए। एंड देन आपने फ्लेम करनी है लो और डालना है सारा कीमा जो कि मसाला से पहले ही था। और इसको करना है अच्छे से, आपने इसको भून लेना है जीरे के साथ। जैसे पका हुआ तो पहले से है ही, मैंने आपको बताया हमने इस मीट को उबाल दिया था, उसके बाद हमने इसको ठंडा करने के बाद पीसा, मिक्स में हमने इसको पीस लिया था, तो इसलिए पका हुआ तो पहले से ही है ये। बस आप इसको अच्छे से मिक्स कर दो जीरे के साथ और इसको अच्छे से गर्म कर लो। फ्लेम यहाँ पर आप लो ही रखना, बस अच्छे से मसाले हैं वो अच्छे से भून जाए, इसलिए हम इसको हल्का सा पका लेंगे। और अब आप इसको कर देना ठंडा, ठंडा करने के बाद अब इसमें डाल देना बारीक कटी हुई अनियन। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, जैसे मार्केट से मिलता है वैसे हम करेंगे। हल्की मैंने बचाई, पता है क्यों बचाई? जब हम इसको भरेंगे ना तो मैंने प्याज कमी रखी नॉर्मल, और जब इसको अलग से खाएंगे ना कीमे के साथ तो प्याज थोड़ी एक्स्ट्रा डालूंगी, मुझे ना पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हो। तो आप देख सकते हो बिल्कुल मार्केट जैसा हमारा कीमा बनकर रेडी हो गया है। एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई करके देखना कीमा कचौरी, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जब आप ट्राई करो तो आप मुझे इंस्टा पर DM करना, फोटोज़ भेजना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और बस हमारा कीमा बनकर बिल्कुल रेडी है। आज हम इसको बनाएंगे अलग तरीके से। आज हम बना रहे हैं पानी के साथ। आप जिन लोगों को नहीं पता, हमारे यहाँ ऐसी बनती हैं कचौरियाँ, ये मतलब ऑयल फ्री भी रहती हैं। ऐसे कैसे डो लगाना है, सब कुछ आपने कैसे करना है, डो में कुछ सामान डालता है। अगर आपने को नहीं पता कैसे बनाए इसका डो, तो मैंने ना आलू कचौरी के साथ उसकी रेसिपी क्लिप ऐड कर रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड चेक आउट। और वहाँ पर ना आपको आलू कचौरी की रेसिपी, डो की रेसिपी सब बता रखा है, आप जाके देख सकते हो। यहाँ पर आपने क्या करना है, पानी की हेल्प से डो को आपने स्प्रेड करना है। एंड देन आपको लेनी है कीमा की स्टफिंग, एंड देन इसके अंदर फिल करके इसको आपने मोमोज की तरह बंद कर देना है। और बस पानी की हेल्प फिर आपने लेनी है, एंड देन फिंगर डिप करनी है वाटर में, इसको फिर से आपने स्प्रेड करना स्टार्ट कर देना है। और अब मैं इसको करूँगी डीप फ्राई। आपने इसको केयरफुली उठाना है कपड़े से, एंड इसको केयरफुली डीप फ्राई करना है, क्योंकि ऑयल है और आपने इसको पानी से बनाया है, तो इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान से इसको डालिएगा ऑयल में।
वो तो मेरी मम्मी ने थोड़ी सी डाला, ज़्यादा दूर से मत फेंकना फिर छिटा जाती है, वो तो मेरी मम्मी एक्सपर्ट है, मुझे तो डर लगता है भाई, तो इसलिए मेरी मम्मी ने डाली वो। आपने पहले तेल बिल्कुल अच्छा गर्म रखना है, फिर आपने मीडियम करनी है फ्लेम, और फिर इसको आपने डीप फ्राई करना है हमारी कीमा कचौरी को, इससे ना बिल्कुल क्रंची बनकर आएंगी ये। तो लीजिए हमारी कीमा कचौरी बनकर आई है। वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक कर देना, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।